हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वे क्वालिटी मैटर्स। तो आपका इस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, उसके अंदर नोटिफिकेशन जो आएगा आपको ऑल करके दबाना है ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो एफ ए आर है, स्टेट रिलेशन दिया है, उसके बाद में आर से एच है, निगेटिव जाना है हमको अगर स्टेटमेंट बनाना है हमको। ठीक है, चलो हम लोग ऐसे ही स्टेटमेंट बनाते हैं। ऐसा जाना है, देन ऐसा जाना है, अगेन फिर हमको एच ऐसे जाना है, एफ आर आर एच फिर से एच एल, मतलब ये स्टेटमेंट बनेगा हमारा। चलो जाने दो। अब देखो ये स्टेटमेंट में है जो है वही कंक्लूजन में पूछा है। स्टेटमेंट में क्या है हमारा, एफ हैशटैग आर है, हैशटैग यानी कि ग्रेटर है, यहाँ पे बोल रहा है एफ ग्रेटर है, कंक्लूजन में वही पूछा है कि एफ ग्रेटर है, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रू है वो। ठीक है, अब आर और एल की बात आ रही है। ठीक है, आर यहाँ पर है, ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, आर है और यल है, आर से पहले हमको एच जाना है, देन एच से यल जाना है। आर तक कैसे, यल तक कैसे पहुँचोगे आप, यल तक पहुँचना है ना हमको, आर और एल के बीच में रिलेशन बताना है, तो हमको आर से पहले एच के घर पर जाएंगे, फिर एच बीच में का है आपका फ्रेंड है, फिर एच के घर पे सब लोग मिलेंगे, फिर उसके घर पे से आप एल के पास जाओगे, फिर जाओगे पिक्चर देखने के लिए। ठीक है, तो अब देखो उल्टा जाना है, यानी कि रिलेशन उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। ये क्या जाएगा, परसेंटेज है, परसेंट की जगह मैं ये पुट कर दूंगी, मैंने साइन यहाँ पे, अब कॉपी राइट है, कॉपी राइट का साइन क्या है, लेसर है, ये साइन है यहाँ पे लेसर है या ग्रेटर है, इसके हिसाब से देखो तो लेसर आ जाएगा, उसके हिसाब से देखो तो ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन मैंने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया है। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, इसके अंदर आर बड़ा आ रहा है, अगर हम इसका कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आर बड़ा आ रहा है, आर बड़ा है, अगर एच और आर की बात कर रहे हो तो आर बड़ा है, फिर यल और एच की बात कर रहे हो तो एच बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़े पप्पा हो गए हमारे, ये हमारी मम्मी हो गई और ये हम हो गए, ये मम्मी पापा हैं, इन दोनों के बीच में अगर जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, हमारा आर आ रहा है, आर और एच की बात कर रहे हो तो आर बड़ा है, हेड ऑफ द फैमिली फादर, फिर उसके बाद में यच का किसी और से कंपेरिजन कर रहे हो तो यच आ रहा है, मदर, देन बचे हुए यल हम लोग। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, आर आ रहा है, इसके अंदर फर्स्ट रैंक आ सकता है हमारा, क्योंकि फर्स्ट रैंक है और यहाँ पे सेकेंड रैंक है। ठीक है, फर्स्ट रैंक है और यहाँ पे सेकंड रैंक है, और हमको यहाँ पे पूछा क्या है, एट द रेट है, एट द रेट है यानी कि ग्रेटर और इक्वल पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, जब आर बोल रहा है कि वो हेड ऑफ द फैमिली है तो सेकंड रैंक आप कैसे बोल सकते हो, वो तो गलत आ जाएगा फिर। ठीक है, जे के एम एम टी, देखो ये स्टेटमेंट सिंपल में दिया है आपको, अभी आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है घुमा फिरा के। ठीक है, अब के और टी की तरफ जाना है हमारा, के कहाँ पर है, यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। ठीक है, सिंपल में जाना है हमको, देख लेंगे, देखो ये परसेंटेज है यानी कि फर्स्ट रैंक है, हैशटैग है, हैशटैग यानी कि अलग फैमिली है, बनेगा ही नहीं रिलेशन, है कि नहीं, नहीं बनेगा ना रिलेशन, चेक कर लें एक बार। देखो के परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह मैं क्या दूंगी, एम ग्रेटर आ जाएगा यहाँ पे, मैंने साइन पुट कर दिया, फिर बोला है कि एम हैशटैग टी है, हैशटैग क्या है, ये वाला है, इसका मतलब ये आ जाएगा, इसके मतलब अपोजिट रिलेशन है, रिलेशन नहीं बनेगा हमारा। ओके तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब के और टी की बात आ रही है, ओके ओके, देखो देखो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, यही बोला था ना हमने, क्या बनेगा इसके अंदर, रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन बनेगा, जब नो रिलेशन बनता है तो तीन साइन आने चाहिए, राइट, हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं देखी नहीं यहाँ पे के टी है, के टी है, तो हो सकता है ना आइदर और का फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि आइदर और का फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, वेरिएबल सेम होने चाहिए और तीन साइन उसके अंदर आने चाहिए, आइदर और का फॉर्मूला, कोयल का रिलेशन क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट रैंक, ये वाला रिलेशन आ रहा है। ठीक है, एट का रिलेशन क्या आता है, ये वाला, इसका मतलब कि दोनों में आइदर और का कंडीशन लगेगा, क्योंकि देखो लेसर है, लेसर बोलो या ग्रेटर बोलो, जो भी आ रहा है अपोजिट रिलेशन आना चाहिए और इक्वल भी आना चाहिए, तीनों रिलेशन है, देन दिस विल बी द आइदर आर कंडीशन, आइदर फर्स्ट ट्रू और
वॉइस के अंदर देखो ये परसेंटेज है यानी कि फर्स्ट वाला साइन आ गया, उसके बाद एट द रेट है यानी कि एट द रेट में देखो ये साइन तो आ गया, उसके अंदर इक्वल भी आ गया, समझ में आ रहा है। फिर देखो केटी 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 यानी कि जब हम ये देख रहे हैं केटी केटी यानी कि बोथ वेरिएबल सेम आ गया, जब इसका हमने इसके साथ में अभी स्टेटमेंट में पुट करके चेक किया तो उनके बीच में रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन आ गया। फिर उसके बाद में ये वाला इसके अंदर साइन कितने आ गए, तीन आ गए, तो हमारा तीन वेरिएबल यानी कि ये तीन कंडीशन आपके होने चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट देन नोट इट डाउन। अभी क्या है, वी और आई के बीच में हमको रिलेशन बताना है, वी यहाँ पर है आई यहाँ पर है, लेकिन हम लोग को अच्छा पॉइंट क्या है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर में दे दिया गया, देखो वी डब्ल्यू डब्ल्यू एच एच है, समझ में आया ना, एकदम सिंपल दे दिया गया। वी और कॉपीराइट पूछा गया, तो कॉपीराइट कहाँ आया हमारा, ये वाला यानी कि बी फैमिली का पूछ रहा है कि बी फैमिली का ऐसा आएगा, तो कॉपीराइट तो यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है कॉपीराइट यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट फैमिली का मेंबर आ गया, फर्स्ट फैमिली का यानी कि परसेंटेज या फिर ये या फिर इन दोनों में से यानी कि ये तीनों अगर आ गए तो ये फैमिली तो गई ना इनके काम से, ठीक है समझ में आ रहा है आपको, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये तो आने ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों आ गए तो अपोजिट रिलेशन कांट डिटरमाइन, ये वाला आ गया तो ग्रेटर की फैमिली हो जाएगी, लेकिन कंक्लूजन में हमको ये वाला पूछ रहा है, तो देखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। सी है, उसके बाद डॉलर है, डॉलर तो किसी में भी आ सकता है, मैटर नहीं करता, उसके बाद एट वाला है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, इसको रॉन्ग कर रही हूँ मैं, ये रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। आई और सी की बात करिए, कहाँ पर है आई, यहाँ पर है, अगेन W की बात करें, I यहाँ पर है, W यहाँ पर है, जब I और H के बीच में और रिलेशन देख रहे हैं, एट की फैमिली, एट की फैमिली ये है, डॉलर की फैमिली ये है, ये इन दोनों की फैमिली में अगर कंपेरिजन करेंगे तो बात तो एक ही आएगी ना, यही आना चाहिए, सेकेंड रैंक होल्डर इसको ही देना चाहिए, जब सेकेंड रैंक होल्डर यहाँ पे है इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कॉपीराइट बोला गया है इसका मतलब ये है, लेकिन राइट है, रॉन्ग नहीं है, राइट है, देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग कर दी है, आई यहाँ पे लिखा है, डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब कंक्लूजन पूछ रहा है तो आई यहाँ पे लिखा है, डब्ल्यू यहाँ पे लिख रहा है, समझ रहा है। देखो डॉलर की कंडीशन क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए आई से, लेकिन इसके अंदर क्या पूछ रहा है, कॉपीराइट पूछ रहा है, कॉपीराइट क्या बोल रहा है, ये वाला आ रहा है, तो देखो मैं साइन पुट करके दिखा रही हूँ आपको, ये वाला आ रहा है, ये भी तो यही बोल रहा है ना, डब्ल्यू ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब ये राइट है हमारा, इसलिए राइट क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पोजीशन आए रॉन्ग अलग कर दिए, ये डब्ल्यू यहाँ था ना फर्स्ट में था लेकिन यहाँ पे सेकंड कर दिया है, यहाँ पे सेकंड था लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कर दिया है, समझ में आ रहा है आपको। देखो जल्दी जल्दी बच्चे बैठे, एल और बी की बात की है, एल यहाँ पे है, बी यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी है देख लेते हैं आप, प्लीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपीराइट दिया है, यहाँ पे कॉपीराइट है यानी कि ये वाला है, उसके बाद परसेंटेज है यानी कि ये वाला है, जब इन दोनों की बात करिए तो किसको बोलोगे आप, ये आना चाहिए ना परसेंटेज, इसका मतलब कि ये गलत है, गलत है हमारा। फिर एल और डी की बात की गई है, अगर एल यहाँ पे डी यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको, तो यहाँ पे हमारा ये है यानी कि एक फैमिली का है, परसेंटेज है यानी कि दोनों एक ही फैमिली के, हैशटैग है यानी कि दूसरी फैमिली का है, रिलेशन कांट डिटरमाइन,